हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर टू, फ्रैक्शंस. ठीक है, हमारा चैप्टर टू है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट वन, दैट इज फ्रैक्शंस. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू पार्ट टू ऑफ द चैप्टर, दैट इज द डेसिमल नंबर्स. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी, दैट इज द अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये आपको, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द अन अकेडमी लर्निंग ऐप. सो प्लीज डाउनलोड द ऐप, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. ठीक है, वैसे ही कॉस्ट बहुत कम है एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में जरूर बताऊंगी. एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट अ डिस्काउंट, देन यू कैन यूज SPGSS10. मूविंग फॉरवर्ड, वेलकम टू द क्लास एवरी वन. आई एम गुरलीन सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर. आई हैव 2+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स. ऑल्सो आई एम क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द UGC नेट एग्जाम. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शन. सो वॉट आर फ्रैक्शंस? ओके, आई कैन आस्क यू पीपल, बट आई कैन टेल यू, फ्रैक्शंस आर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ पिज्जा. ठीक है, सबको पिज्जा पसंद होता है आई एम श्योर. ठीक है, इस पिज्जा के मैंने, आई डिवाइडेड इट इनटू से 6 parts. ठीक है, 6 pieces में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, एंड आई से दैट आई वॉन्ट 2 parts, एटलीस्ट 2 pieces मेरे को चाहिए. ठीक है, सो हाउ मच एम आई डिमांडिंग? आई एम डिमांडिंग 2 parts आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? आउट ऑफ द 6 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से मेरे को 2 parts चाहिए. तो मैं उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 2/6, राइट. अब अगर मैं एक होल पिज्जा की बात करती हूँ, इस पूरे पिज्जा को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? आई कैन से 6/6, मतलब ये जो 6 parts में से मैंने अगर 6 parts डिमांड कर लिए, मतलब कि मैं पूरा पिज्जा डिमांड कर रही हूँ. सो दिस बिकम्स 1. ठीक है, मतलब 1 whole pizza. सो बेसिकली इफ आई राइट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फॉर example 3/11. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट 3 इज द न्यूमरेटर, 11 इज द डिनोमिनेटर, एंड आउट ऑफ 11 आई एम डिमांडिंग 3 parts, राइट. ओके, फॉर example, वी हैव अ फिगर ओवर हियर, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं एंड वील डिवाइडेड इन टू सम पार्ट्स, राइट. अब इसमें से कुछ पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया, 1, 2, 3, राइट, 4 and 5, लेट्स से 5 parts को मैंने शेड कर दिया. नाउ इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, ठीक है, कितने पार्ट्स शेडेड हैं, तो आप इसको बताओगे ना इन रिलेशन टू द टोटल पार्ट्स वी डिड. तो कितने पार्ट्स थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो आउट ऑफ 12 parts कितने पार्ट शेड किए? 5 parts. ठीक है, सो इस तरह से मैं फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ऊपर आएगा जितने स्पेसिफिक पार्ट्स मुझे चाहिए डिवाइडेड अपॉन द होल. ठीक है, एंड अगर मैं सारा शेड कर दूँ, तो इसका मतलब मैंने 12 में से 12 पार्ट शेड कर दिए, दैट मीन्स आई शेडेड द होल फिगर, दैट इज 1 whole figure आई शेडेड. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द यूनिटी ऑफ अ फ्रैक्शन. अब यूनिटी ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन बिकम्स अ होल, दैट इज 1. ठीक है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज इक्वल टू 5, तो मैं कैसे लिखूंगी? 5/5, एंड जब 5/5 मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है, राइट. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, आंसर आएगा 1. सो दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ अ फ्रैक्शन. सो यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन, यू नो, 1 mark क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स फिलअप्स. तो यू शुड नो when the numerator and denominator are equal, we are talking about a whole. जैसे मैं पूरे पिज्जा की बात कर रही थी, तो 6/6 which is equal to 1 whole pizza, right? Clear to everyone? So unity कब होगी? जब numerator and denominator जो है वो equal हो जाते हैं. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, जैसे वी डिड 5/12, तो 5 छोटा है 12 से. ठीक है, देन 2/6, 2 इज लेस देन 6. 3 is less than 11. सो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई प्रॉपर फ्रैक्शंस? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस. ओके,
नेक्स्ट टाइप वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें उल्टा हो जाएगा व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. सो एन इज ग्रेटर दैन डी. सो एनी थिंग 100 अपॉन 12 राइट, 81 अपॉन 11, 7 अपॉन 3. ठीक है, इन सब केसेस में यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. बस क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस वेयर वन पार्ट इज अ होल एंड द अदर पार्ट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, सो सबसे पहला कैच क्या है कि सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है सिर्फ इनको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते थे? वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वी हैव 7/4. ठीक है, अब इसको मेरे को दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? डिवाइड करेंगे. ठीक है, 4 बन जाएगा डिवाइजर, 7 इज द डिविडेंड ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. सो 4 वन्स ऑफ 4, ठीक है, माइनस करके रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3. सो हाउ डू वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन? सबसे पहले जो मेरा होल नंबर है दैट इज माई क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन ही कहते हैं ना. देन कम्स इन द न्यूमरेटर, अब यहाँ पे क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर के नीचे क्या आएगा? 4, दैट वॉज माई डिवाइजर. ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में क्या बनती है? मेरी मिक्स फ्रैक्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1+3/4. इसका मतलब है 1+3/4. आप इसको ऐड करेंगे, अभी हम इसके एडिशन भी सीखेंगे. तो जब आप इसको ऐड करोगे दिस बिकम्स 4+3 विच इज 7/4. तो बेसिकली एक पूरा पार्ट है दैट इज 1 इज द होल नंबर. ठीक है, प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी साथ में. ठीक है, वन होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज गोइंग टू मेक अप व्हाट? इट इज गोइंग टू मेक अप अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, सो दिस इज 1/3/4 राइट. अब अगर मुझे इसको वापस कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, आई हैव इट इन द फॉर्म ऑफ 1/3/4. सो अब सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन इनटू डिवाइजर. ठीक है, प्लस रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे आएगा क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द क्वेश्चन एंड द यस क्वेश्चन एंड द डिवाइजर. सो 4 वन्स ऑफ 4, 4 इंटू 1 इज 4, प्लस इसमें 3 ऐड करूंगी तो और नीचे क्या आएगा? 4 ही आएगा. सो दिस बिकम्स 4 वन्स ऑफ 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/4. ठीक है, मेरे पास मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाता है. ठीक है, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज 65/7. तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये क्या है. इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. दिस इज 65 एंड 7. सो वी नो दैट 7 9 63 होता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 2 राइट. और इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? क्वेश्चन इनटू अपॉन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर राइट. सो दिस विल बी रिटन एज सबसे पहले 9. ठीक है, ऊपर आएगा 2 एंड नीचे आएगा 7. ठीक है, अब अगर मुझे इसे वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है पहले क्या करूंगी? 7 into 9. ठीक है, 7 into 9 प्लस 2 अपॉन नीचे रिमाइंडर डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा. सो 9 7 is 63. 63 प्लस 2 अपॉन 7 इज गोइंग टू गिव मी द सेम नंबर दैट इज 65/7. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि किस तरह से मुझे इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना है एंड किस तरह से मिक्स को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 1/75/3. ठीक है, अब 3 को डिवाइड करेंगे 1/75 से. ठीक है, 3 5 15 होता है राइट, रिमाइंडर कितना आता है? 2. देन वील ब्रिंग दिस डाउन, 3 8 24 राइट, तो रिमाइंडर कितना आता है? 1. सो नाउ आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन दैट इज 58 1/3. सो 58 1/3 इज माई मिक्स फ्रैक्शन. एंड ऑफकोर्स आप इसको वापस कन्वर्ट करके देखो. ठीक है, ट्राई टू कन्वर्ट इट बैक इन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड टेल मी इफ यू गॉट द सेम आंसर दैट इज 1/75/3. ओके, चलो. So this was your basics.
ठीक है, बेसिक्स थे आपके कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड सॉरी हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड बैक इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस. तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ fractions, and also we are going to do, obviously we are going to do the questions based on them, right, for your practice. And apart from that, jitne aapke NCERT questions hain, theek hai, jo bhi aap extra books follow kar rahe hain, aap Google pe bhi questions dekh sakte ho. You can find solved examples or you can refer to your NCERTs, NCERT exemplar and all. So maths ka ek hi funda, as I always say, practice maximum number of questions, right? Concept samjho and uske baad sabse zyada practice karo. Chalo, let's start with addition of fractions. तो पहला है हमारा, okay, first one is a whole number, ठीक है, is getting added to a fraction. That is 4 + 7/8. तो अब ये जो 4 है, इसको भी मैं fraction की form में ले लेती हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है. 4 के नीचे let's put 1. So this is 4/1 + 7/8. So अब addition हो या subtraction हो, एक rule आपको जो follow करना है, that is make denominator same. ठीक है, make denominator same, that is ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, common ले सकूँ. ठीक है, make the denominator same. So इसके two ways हैं. ठीक है, पहला way है कि numerator को, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा denominator है 4 के नीचे 1 है, ये भी 8 बन जाए, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, 1 × 8 = 8, एंड अगर मेरे को नीचे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट दीज गेट कैंसल्ड आउट, एंड मैं नंबर नहीं बदल रही हूँ, बस मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 8 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, सो दिस बिकम्स 8 × 4 = 32/8. ठीक है, एंड प्लस 7/8. तो अब इस केस में क्या हुआ, 8 को मैं कॉमन ले लूंगी, 8 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर इज कॉमन, एंड दिस इज 32 + 7. सो माय आंसर इज इक्वल टू हाउ मच, 7, 8, 9, दैट इज 39/8, राइट. तो ये आपका आंसर है. ये वन वे था दैट यू कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड ट्राई टू मेक इट सेम. ठीक है, ये स्पेसिफिकली कब काम आएगा, जब एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है. जब दोनों फ्रैक्शन है उस केस में व्हाट विल बी प्रेफर, वी विल प्रेफर टेकिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर्स. ठीक है, तो एलसीएम लेके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है. ओके, चलो, आई होप आपको एलसीएम लेना आता है, वी लर्नड इन आवर स्मॉलर क्लासेस. सो दिस इज 4/1 + 7/8. ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, 8. सो व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एक सबसे छोटा ऐसा नंबर, ठीक है, जो दोनों के टेबल में आता है. सो 8 1 के टेबल में भी आता है, 1 8 is 8, एंड 8 8 के टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 8. सो इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 8 × 4 + 1 × 7. सो 8 × 4 = कितना होता है, 32 + 7 × 1 = 7/8. सो ऑफकोर्स माई आंसर इज द सेम, दैट इज 39/8. ठीक है, तो आप दोनों वे से कर सकते हो, एंड वेन वी हैव बोथ ऑफ देम आर फ्रैक्शंस, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू प्रेफर व्हाट, वी आर गोइंग टू प्रेफर टेकिंग द एलसीएम. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, राइट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन एंड वुमेन. ओके, चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ वी हैव 3 नंबर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, राइट. ओके, दिस इज 7/10 + 2/5 + 3/2. ठीक है, अब इस केस में हमेशा क्या प्रेफरेबल रहता है, कि हम एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, अब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता हो, एक तो आपने इस तरह से सीखा होगा एलसीएम फाइंड आउट करना. ओके, चलो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. पहले 2 5s are 10, ठीक है, ये 5 and 1. देन वी हैव 5 1s are 5, 1 and 1. ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना हुआ, 5 × 2 = 10, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको देखो, एंड सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता हो, ठीक है, वो 10 ही होगा ना. 2 5s are 10 होता है, 5 2s are 10 होता है, एंड 10 1s are 10 होता है. सो तीनों के टेबल में सबसे छोटा ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है, दैट इज 10. ओके, मैं 5 नहीं ले सकती क्योंकि 5 10 के टेबल में नहीं आता, 10 10 1s are 10, तो 5 तो आता ही नहीं है. सो दिस इज 10.
तो यहाँ आएगा 7, देन वी नो 5 इंटू 2, सो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, सो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लेट्स सी व्हाट इज आर आंसर. 7 प्लस 4 प्लस 5 थी से कितना हुआ 15 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो अब डिनोमिनेटर जो है दैट इज कॉमन, सो आई विल जस्ट ऐड दीज नंबर्स 7, 8, 9, 10, 25 एंड दिस इज 26 अपॉन 10. ठीक है, आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, 2 5s are 10, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 13 अपॉन 5 इन द लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, तो बेसिकली एडिशन में क्या रूल है, दैट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, एंड डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम लेने के बाद. ओके चलो कुछ प्रॉब्लम सम्स भी देख लेते हैं. ओके फर्स्ट इज समीरा परचेज 3 1/2 kg एप्पल्स एंड 4 3/4 kg ऑरेंजेस. वट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर. ठीक है, तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का वेट गिवन है और मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, एंड वी ऑल नो टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल मीन्स एडिशन. ठीक है, सो एप्पल्स है 3 1/2 kg, दीज आर आर एप्पल्स. सो सबसे पहले लेट मी कन्वर्ट इट इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि जब भी मुझे एडिशन करनी है मैं मिक्स फ्रैक्शंस की डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकती, आई विल फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट देम इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो वो कैसे होगा, 3 into 2 6 प्लस 1 upon 2 विच इज इक्वल टू 7 upon 2 kg. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंजेस की. ऑरेंजेस कितने हमारे पास, 4 3/4 kg, राइट, सो लेट्स कन्वर्ट देम, 4 4s are 16 प्लस 3 upon 4, सो दिस इज इक्वल टू 19 upon 4 kg. दोनों हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट. सो टोटल वेट कैसे आएगा, दोनों को ऐड करना है, दैट इज 7/2 प्लस 19/4. अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, दैट इज 4 ऑब्वियसली. सो दिस इज 2 into 2 is 4, सो 2 into 7 प्लस 1 into 19. सो ये कितना हुआ, 7 2s are 14 प्लस 19 1s are 19 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज इक्वल टू 29, 30 and 33. 33/4 kg इज माई आंसर. ठीक है, 33/4 kg ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया आंसर. ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट. तो अगर मुझे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो आई कैन कन्वर्ट द आंसर ऑल्सो इन टू मिक्स फ्रैक्शन. तो ओके लेट्स डिवाइड, कहाँ पे जगह है हमारे पास, यहाँ पे 33 and 4. ठीक है, 4 8s are 32 होता है, रिमाइंडर आया 1. सो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना हो जाएगा ये, 8 1/4 kg. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस एंड दिस इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अनदर क्वेश्चन. ओके, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 cm लॉन्ग. ठीक है, तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. ठीक है, लेंथ है 12 1/2 cm एंड विड्थ है 10 2/3 cm, राइट, एंड पेरीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होता है, इट इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कि टोटल लेंथ कितनी है बाउंड्री की, इसका एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, वैसे भी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितना होगा, दिस इज 12 1/2 एंड दिस इज 10 2/3. यही होता है ना, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो इन सबको ऐड करते हैं हम, तो ये 2 times आ जाएगा, 2 into 12 प्लस 1/2. ठीक है, प्लस 10 into 2/3. ठीक है, 10 2/3 एंड 12 1/2 को ऐड किया है हमने 2 times. यही फॉर्मूला होता है ना, इट इज 2 into L + B इज द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle. So first of all, again my first step is going to be converted into improper fraction. ठीक है, 12 into 2 is 24, 24 plus 1 is 25. So 25/2 plus 10 into 3 is 30, 30 plus 2 is 32 upon 3. ओके, अब अभी थोड़ी देर के लिए 2 को भूल जाते हैं, हम अंदर वाले दोनों जो हमारे नंबर्स हैं इनका हम लेते हैं LCM. Let's solve it. ठीक है, ओके अब देखो, जब भी मेरे पास एक प्राइम नंबर होता है या फिर दोनों प्राइम नंबर होते हैं तो इनका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके आ जाता है. सो 3 2s are 6, मतलब 6 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है. ठीक है, सो 2 3s are 6 इंटू 25 प्लस 3 2s are 6 इंटू 32.
ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस. आंसर कितना आएगा? दिस इज 25 इंटू 3 विच इज 75, राइट, प्लस 32 इंटू 2 इट इज 64 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, तो 75 प्लस 64 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 139 अपॉन 6. एंड ऑल दिस वाइल प्लीज डोंट फॉरगेट कि बाहर एक 2 भी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है. सो इंटू 2, राइट. सो आप कैसे करते हैं? आप इसको अभी मल्टीप्लीकेशन हमने किया नहीं है, बट यू नो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है, या फिर ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा. 2 3 6, तो आपको क्या करना है? 139 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा. सो दिस सेंटीमीटर, दिस इज योर लेंथ. अगेन यू कैन कन्वर्ट इट इंटू मिक्स फ्रैक्शंस. ठीक है, 3 4 12, रिमाइंडर आया 1, ये 9 नीचे आ गया. 3 6 18 होता है, राइट. सो अगेन योर रिमाइंडर इज 1. तो कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, है ना जगह? यस. सो इन द इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन, तो आंसर कितना आएगा? 46 3 बाय 1 सेंटीमीटर. इट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, ये आया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया मिक्स में इट इज 46 3 बाय 1, राइट. आई होप क्लियर टू एवरी वन. एंड एज आई ऑलवेज सी, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई डेफिनेटली सॉल्व इट. ओके, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन एडिशन. ठीक है, बस बीच में क्या है, माइनस का साइन लगेगा. सो दिस इज 11 बाय 2 माइनस 8 बाय 3. ठीक है, अगेन फर्स्ट रूल इज मेक डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर सेम, राइट. सो एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6, राइट. सो दिस इज 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 8. सो 11 3 जो कितना हुआ? 33. 8 2 जो 16 डिवाइडेड बाय 6. सो 33 माइनस 16 इट इज गोइंग टू गिव यू 17 अपॉन 6. दिस इज योर आंसर. ठीक है, बस उसमें एडिशन था, इसमें क्या है, माइनस का साइन लग जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट 9 बाय 11 माइनस 4 बाय 15. सो आई होप दैट यू नो एवरीबॉडी इज सॉल्विंग दीज. साथ साथ सॉल्व करो एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. अब इसमें से अगर एक भी मेरे पास क्या है, वन ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 11 इंटू 15 ही होगा. ठीक है, सो 11 इंटू 15 इज गोइंग टू गिव मी 165 एज माई एलसीएम. सो 11 इंटू 15 इज 165, तो ये 15 इंटू 9 हो गया, माइनस 15 इंटू 11 इज 165, सो दिस इज 11 इंटू 4. ठीक है, 15 इंटू 9 इज गोइंग टू गिव मी 9 10 135. ठीक है, माइनस 44 अपॉन 165. ठीक है, सो इसको एक मिनट सॉल्व करते हैं. माइनस 44, सो दिस इज इक्वल टू 91 अपॉन 165. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, 91 अपॉन 165 इज योर आंसर, राइट. लेट्स एंड इट्स ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिव्या स्टडीज फॉर 5 2/3 hours डेली. शी डिवोट्स 2 4/5 hours ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, हाउ मच टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स. तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड्स हैं मेरे को मिक्स फ्रैक्शंस में गिवन है. ठीक है, टोटल स्टडी टाइम लिख लेते हैं. ठीक है, टोटल स्टडी टाइम इज 5 2/3 hours. ठीक है, आई डाउट आप लोग इतना पढ़ते हो दिव्या जितना. हाँ, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 3 15 16 17, सो दिस इज 17/2 hours. शी डिवोट्स 2 4/5 hours ऑफ अ टाइम फॉर साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, टाइम फॉर साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है, वो कितना है मेरे पास? 2 4/5 hours. तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 2 10 प्लस 4 इट्स 14/5 hours. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सी हाउ मच टाइम शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट. तो टोटल टाइम जितना वो पढ़ रही है इसमें से साइंस और इंग्लिश का टाइम अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जो दूसरे सब्जेक्ट्स को डिवोट कर रही है. ठीक है, सो लेट्स टेक द एलसीएम. 5 2 10, 2 into 5, सो दिस इज 5 into 17 माइनस 2 into 14, राइट. ओके, सो 5 6 7 8 85 माइनस
दिस इज 448 28, राइट, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है. सो 17 इंटू 5 क्या, ओके 17 इंटू 5 विच इज 85 माइनस 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28. तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर शुड बी इक्वल टू 57. सो लेट्स राइट इट हियर, ठीक है, 57 बाय 10 आवर्स. अगेन अगर आपको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन गिवन होता है ना, तो ट्राई करो कि आंसर जो है उसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में ही दो, ठीक है. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम करेंगे डिवाइड 10 से, 10 फाइव ज़ 50, राइट, एंड योर रिमाइंडर इज 7. सो योर आंसर इज 57 बाय 10 आवर्स. ये जो टाइम है ये वो डिवोट कर रही है फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, दिस इज फॉर अदर सब्जेक्ट्स. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन, राइट. चलो ओके, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है. सो एनी वे आई वॉन्ट टू गिव दिस एज अ होमवर्क टू यू पीपल, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज ट्राई इट एंड टेल मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. इससे पता भी लगेगा कौन कौन बच्चा पूरी वीडियो देख रहा है, कौन कौन बच्चा रेगुलरली इस पढ़ रहा है एंड इन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा है. लुक दीज वीडियोज आर वन शॉट रिविजन्स, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है, आपको एक बार में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए. एंड ऑल्सो आई हैव गिवन यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स, जिससे व्हाट विल हैपन, यू नो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो कॉन्क्रीट हो जाएंगे, मतलब पक्के हो जाएंगे, ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड 3/5 फ्रॉम द सम ऑफ, ओके सबसे पहले आपको इनको ऐड करना है, 5/6 प्लस 4/15 प्लस 1/3, ठीक है. इसका एलसीएम लो और देखो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है. अब फ्रॉम द सम है मतलब इनके सम में से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड 3/5, ठीक है. सो इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, फिर आंसर को माइनस करो एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द राइट आंसर. अभी पता लग जाएगा कौन देख रहा है कौन नहीं, ठीक है. चलो ओके वी विल मूव फॉरवर्ड. रितिका रेड 2/9 ऑफ हर बुक इन द मॉर्निंग, ठीक है, एंड 4/7 इन द इवनिंग. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक हैज शी रेड, तो उन्होंने बोला कि कितना वो पढ़ चुकी है. तो ऑब्वियसली इतना पढ़ चुकी है जितना उसने मॉर्निंग में फ्रैक्शन रीड किया और जितना इवनिंग में उसने अपने बुक का फ्रैक्शन रीड किया, ठीक है. सो हाउ मच शी इज रेड, दैट इज टोटल पोर्शन ऑफ बुक, ठीक है, रेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, इतना ही पढ़ा है ना अभी तक उसने. सो ये स्टेटमेंट सम्स है. सो आई होप यू पीपल नो कि जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, ठीक है. आप पूरा लिखोगे, ठीक है, पोर्शन ऑफ बुक रेड इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 2/9, पोर्शन ऑफ बुक रेड इन द इवनिंग इज 4/7 एंड टोटल पोर्शन ऑफ बुक रेड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है. तो आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, ये पूरा लिख लोगे 2/9 प्लस 4/7, ठीक है. अब अगेन वी हैव अ प्राइम नंबर, तो सीधा इसका एलसीएम कितना होगा, 9 इंटू 7 विच इज 63, ठीक है, 9 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 9 इज 63 एंड देन इंटू 4, सो दिस इज 14 प्लस 36 अपॉन 63. तो आंसर कितना आ रहा है, दिस इज 0345, 50 अपॉन 63 जो बुक है, मतलब 63 में से 50th पोर्शन, या आप लगा लो 50 पेजेस, जिस भी तरह उन्होंने डिवाइड किया वो पढ़ चुकी है अब तक, ठीक है, क्लियर, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी हैव इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है. कि अब अभी तक हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आई होप दैट्स क्लियर टू यू. उसमें एक बेसिक रूल होता है, मेक द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, एंड उसके बाद यू कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट और एड द न्यूमरेटर्स, ओके. नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फर्स्ट इज विद द होल नंबर, ठीक है, जैसे 5 इंटू 19 अपॉन 7, ठीक है. तो आप बस इसको ज्यूम कर लो, ये 5 अपॉन 1 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन का एक ही रूल होता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो यू हैव टू डू इज 19 इंटू 5, राइट, अपॉन 1 इंटू 7, सो 19 इंटू 5 is going to give you 95, 7 ones is 7, so your answer is 95 upon 7. So I think multiplication is more easy than addition and subtraction, hai na?
ओके देन वी हैव 12 अपॉन 8 इंटू 21, ठीक है. सो इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में पहले ले आती हूँ, तो सो दैट माई कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर. 4 2 8, 4 3 12, राइट. सो फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में कितनी हो गई, 3/2 इंटू 21, 3/2 into 21, राइट. अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो 21 इंटू 3 इज गोइंग टू गिव मी 63 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, राइट. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 63 अपॉन 2. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग. तो एक अब मेरे को गिवन है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में और एक है मेरा होल नंबर. सो अगेन अब मुझे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने से भी पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 2 10, 11 12 13, सो दिस इज 13/5 इंटू 2, ठीक है. अगेन नाउ न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 13 × 2 इज हाउ मच, 26, एंड 5 1 5, सो आंसर कितना आ रहा है, 26/5 इज माई आंसर, ठीक है. सो यू ऑल्सो आप खुद से क्वेश्चन बना के खुद से उन्हें सॉल्व कर सकते हो. राइट एनी नंबर्स एंड देन ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन, ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा था, टिल नाउ वी स्टार्टेड दैट हाउ टू मल्टीप्लाई इट विद अ होल नंबर, ठीक है. इट इज वेरी सिमिलर टू हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द अनदर फ्रैक्शन. ओके ओके, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टू मल्टीप्लाई द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस एंड द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस सेपरेटली. तो एज आई टोल्ड यू, वेरी इजी, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, वही लिखा है उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. फॉर एग्जाम्पल 5/3, ठीक है, इंटू 2/7, ठीक है, 5 upon 3 into 2 upon 7. तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करो, दैट इज 5 into 2 विच इज 10 एंड 7 into 3 विच इज 21. सो मेरा आंसर कितना हो गया, इट इज 10/20. ओके, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट. ओके, द फर्स्ट वन इज 17/13 इंटू 14/63, ठीक है. तो क्या करते हैं, लेट्स ब्रिंग द नंबर्स इन द लोएस्ट फॉर्म, उससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. 7 2 14 एंड 7 9 63, ठीक है. ये 13 से भी चले जाएगा, 13 × 9 इज 117. तो मेरे पास क्या बचता है, 9 × 2/9, सो 9 1 9 9 1 9 कट आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2, राइट. सो इसमें मुझे अपना न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर वाला ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है. सो ऑलवेज कन्वर्ट दीज इंटू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, उससे क्योंकि काफ़ी हेल्प होगा एंड आपकी कैलकुलेशंस भी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है. नहीं तो आप पहले क्या करते, 117 × 14 करते, फिर 13 × 63 करते, देन यू ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म, दैट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 156/108 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 5/3, ठीक है. सो लेट्स ट्राई इट विद 4, ठीक है, 156 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज 4 3 12, ठीक है, 13 14 15 36, एंड 4 9 36, सो ये 39 से जाएगा, 4 2 8 एंड 28, 4 7 28, सो दिस इज 39/27, राइट. देन अगेन वी कैन फर्दर ऑल्सो कन्वर्ट इट, ठीक है, 3 9 27, 3 1 3 एंड 3 3 9, तो मेरे पास क्या बचता है, 13/9 इंटू 5/3, ठीक है. अब मैं इसको फर्दर लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेकर आ सकती सारे नंबर्स को, सो नाउ आई विल परफॉर्म न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो 13 × 5 इज 65, 9 3 कितना होता है, 27, राइट. एंड सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, 65/27. सो क्या है, सबसे पहले हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑल द नंबर्स व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग, ओके. चलो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है. जब भी ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब टोटल का, 1/5 ऑफ द टोटल, ठीक है.
टू बाई फिफ्थ ऑफ द टोटल लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. ठीक है, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो इंग्लिश में उन्होंने बोला 1/5 ऑफ टोटल. 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड 1/5 किस का मतलब 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वो कितने थे, 40. ठीक है, सो 5 8 40 एंड आई नो कि इंग्लिश के लिए कितने बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना, राइट इट इन द फुल सेंटेंस दैट 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. ओके, मैथमेटिक्स की बात करें 2/5 ऑफ द टोटल, अगेन 2/5 कितना ऑफ 40. ठीक है, 5 8 40 एंड 8 × 2 कितना हुआ, 16. सो 16 स्टूडेंट जो है जिनको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है. देन वी हैव एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. अब रिमेनिंग कितने, 40 में से मैं माइनस करूंगी 8 + 16, मतलब इंग्लिश और मैथ्स वाले जो हैं उन दोनों का टोटल करके 40 में से माइनस कर दिया. ठीक है, सो दिस इज 40 - 24 एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 16. ठीक है, तो 16 बच्चे रह गए, राइट. ओके, सो 16 स्टूडेंट्स आर सच हु लाइक टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ साइंस. तो 16 किसके हैं, साइंस के. एंड जब आप इसका टोटल देखोगे दैट 16 + 16 + 8 इट इज गोइंग टू गिव यू 40 ओनली. ठीक है, तो 40 में से 8 इंग्लिश के, 16 मैथ्स के एंड बचे हुए 16 हो गए साइंस के. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ओके, अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन. विद्या एंड प्रताप, सो विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक. देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक है, विद्या ने कितना पानी पी लिया, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब 2/5 ऑफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब कितना पी लिया उसने, 2 लीटर्स. ठीक है, 2 लीटर्स ऑफ वाटर विद्या ड्रिंक्स. ओके, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग. तो मुझे बताना है पहले तो विद्या ने कितना पिया एंड वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वान्टिटी डिड प्रताप ड्रिंक. ठीक है, अब 5 में से अगर 2 जो है विद्या ने पी लिया, तो प्रताप ने कितना लीटर पानी पिया, ही ड्रैंक 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 लीटर्स. अब इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में शो करना है. तो आउट ऑफ 5 उसने कितना किया, 3. आउट ऑफ 5 ही कंज्यूम 3 लीटर्स. सो उसने कितना पिया, 3/5 ऑफ टोटल. ठीक है, ऑफ टोटल वाटर दैट इज ऑफ 5 लीटर्स. और विद्या ने कितना पिया था, 2/5 ऑफ द टोटल. ठीक है, तो आंसर कितना है अगर मुझे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना हो, 3/5 लीटर्स. ओके, क्लियर टू एवरीवन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इज फॉर योर नॉलेज एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 1 मार्कर में आ सकता है, ट्रू फॉल्स फिलअप्स. वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो मेरा आंसर है मल्टीप्लाई करने पे वो क्या होना चाहिए. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर. इफ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस देन देयर प्रोडक्ट विल बी लेस दैन द गिवन फ्रैक्शंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/5 × 4/9 को मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है. न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से. सो 4 × 2 = 8 एंड 9 × 5 = 45. तो आंसर जो आ रहा है मेरा 8/45 आया है. तो उन्होंने ये बोला जो उनका प्रोडक्ट है, जो आंसर है ना, इट विल बी लेस देन बोथ द नंबर्स. सो 8/45 जो होगा वो छोटा होगा 2/5 से, राइट, एंड ऑल्सो इट विल बी लेस दैन द अदर नंबर दैट इज 4/9. ठीक है, तो आप इसको ना डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखो एंड यू विल सी दैट 8/45 इज लेस देन 2/5 एंड 4/9. ठीक है, दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो जो आंसर है इट इज लेस देन बोथ द नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर में क्या था, डिनोमिनेटर वॉज लेस दैन द न्यूमरेटर. ठीक है, सो दिस इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. सो इफ वी मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देन देयर प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर दैन द गिवन फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर में क्या है, जो आंसर है वो दोनों नंबर से बड़ा होगा. सो जैसे 9/2 × 7/4 = 63/8, क्योंकि हमने यही किया ना, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो 9 7 = 63 एंड 2 4 = 8. सो 63/8 विल बी ग्रेटर देन 9/2 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 7/4. सो टेक सम मोर एग्जाम्पल्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल लेकर उसे मल्टीप्लाई करके देखो, जो आंसर है वो दोनों गिवन नंबर से बड़ा होगा. ठीक है, ओके, नाउ वी हैड अ लुक एट टू प्रॉपर फ्रैक्शंस.
का आंसर कैसा होगा मल्टीप्लाई करने पे, एंड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का आंसर कैसा होगा मल्टीप्लाई करने पे. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर एंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इस केस में क्या होगा, ठीक है, देन द प्रोडक्ट विल बी लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. अब क्योंकि जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा एक होल नंबर आता है वो मिनिमम वन होता है ना, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इट इज लेस देन वन. ठीक है, तो ये जो छोटी होती है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तो इस केस में क्या होगा, जो आंसर होगा, जैसे 2/5, 2/5 क्या है मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड 7/3 क्या है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट. सो 7 × 2 = 14 एंड 5 × 3 = 15. जो आंसर है ना मेरा, इट विल बी ग्रेटर दैन द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लेस दैन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 14/15 इज ग्रेटर दैन 2/5 एंड इट इज लेस दैन 7/3. इसको भी आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हो, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा आंसर, ठीक है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, राइट. सो टेक मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तरन रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर्स. ठीक है, तरन रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में ही इज रीडिंग हाउ मच. ये बेसिकली यूनिटरी मेथड लग रहा है, 1/3 पार्ट, ठीक है. सो 2 1/5 आवर्स में, 2 1/5 आवर्स में कितना रीड करेगा, एक का गिवन है और ज्यादा का निकालना है, ठीक है. सो सबसे पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेती हूँ. 5 × 2 = 10 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 11/5 आवर्स. तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं, अगर एक घंटे में 1/3 बुक का पार्ट रीड कर सकता है, ठीक है, तो 11/5 आवर्स में कितना करेगा. सो एक का गिवन है, ज्यादा का निकालना है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ. सो दिस इज 1/3 × 11/5, ठीक है. देन अगेन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 11/15, ठीक है. सो 11/5 आवर्स में ही इज कवरिंग 11/15 पोर्शन ऑफ द बुक. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है. तो डिविजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, पहला पार्ट हम करेंगे डिवाइडिंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, ठीक है. इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विद द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, राइट. सो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल 5 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 10/15, ठीक है. इसका मतलब क्या है, दिस इज 5/1 गेटिंग डिवाइडेड बाय 10/15. सो उन्होंने क्या लिखा है, वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. तो अब इसके दो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है जो डिविजन साइन है उसको आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दो, एंड डिविजन के बाद जो नंबर है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लो. सो रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा एंड न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. सो इनटू 15/10 बन जाएगा. सो 5 × 2 = 10, सो मैं आंसर इज 15/2, ठीक है, क्लियर. लेट्स सी, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, 5 / 3 = 4/7. सो सबसे पहले लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 × 3 = 21 प्लस 4 इट इज 25/7, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये डिविजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन एंड इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो दिस इज 7/25, ठीक है. 5 × 5 = 25 एंड माय आंसर इज इक्वल टू 7/5, ठीक है. दिस इज की होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम एक फ्रैक्शन के साथ. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन. सो बेसिकली जो अब तक हमने किया वही करेंगे इसमें भी. जो हमारा डिवीजन का साइन है वो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन एंड सी नीचे आ जाएगा और डी ऊपर चले जाएगा, राइट. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ओके 11/7, ठीक है, गेटिंग डिवाइडेड बाय लेट्स से वी हैव 63 एंड 22, ठीक है. इस तरह से मेरे पास नंबर है, तो अब मैं क्या बना दूंगी इसे 11/7, ठीक है.
ये डिविजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन एंड इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल विच इज 63/22. सो लेट्स सॉल्व दिस. 11 2s are 22, ठीक है, 7 9s are 63, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 9/2 इज द आंसर. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. एक बार हमने मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ले आए फिर तो ईजी है, उसके बाद तो मुझे पता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना है अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है. चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. 2/5 गेटिंग डिवाइडेड बाई 1/2. सो वेरी इजी, 2/5 डिविजन बन गया मल्टीप्लीकेशन, 2 चले जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे. सो 2/1 बन गया. राइट, सो नाउ आई विल डू न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. 2 2s are 4 एंड 5 1s are 5, तो आंसर कितना आ गया, 4/5. नेक्स्ट, नाउ लेट्स कन्वर्ट इट फर्स्ट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 2s are 6 + 1, ठीक है, विच इज 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5. अगेन 7/3 लिखा, ये बन गया मल्टीप्लीकेशन, 5 ऊपर चले गया एंड 3 नीचे आ गया. सो दिस बिकम्स हाउ मच, 7 × 5 इज इक्वल टू 35. न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 3 3s are 9. सो दिस इज 35/9. राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड द फ्रैक्शंस. ओके, चलो दिस वन. राइट, सो दिस इज योर होमवर्क. अगेन दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू. अगेन आई वांट टू सी कि कौन होमवर्क कर रहा है, कोई होगा जो पूरी वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएगा इनका. ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड इनफ क्वेश्चंस. तो इसमें भी क्या करना है, चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स व्हिच आर आफ्टर द साइन. राइट, चलो. अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 liters ऑफ पेट्रोल. ठीक है, तो 1 लीटर में कितना कर रहा है ये, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो मुझे बस ज़्यादा का बताना है, मतलब मुझे 2 3/4 liter में बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा. सो सबसे पहले लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, 4 2s are 8 9 10 11. सो अगेन इट्स 11/4 liters. ठीक है, अगेन अब अगर एक में 16 किलोमीटर कर रहा है तो ज़्यादा में कितना करेगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, यूनिटरी मेथड यूज़ हो रहा है. ओके, सो दिस बिकम 16 × 11/4 एंड वी नो दैट 4 × 4 is 16. सो 11 × 4 is equal to 44 किलोमीटर. सो अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रहा है, 11/4 liter में कितना चलेगा, 44 किलोमीटर. ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि 2 लीटर का बताओ प्लस 3/4 liter का बताओ. तो यही मतलब हुआ ना कि ये पूरा होल हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया. ठीक है, 2 लीटर्स का बताएंगे तो अगर सिर्फ 2 लीटर्स का पूछते तो 16 × 2 विच इज़ 32 हो जाता. ठीक है, अब उन्होंने हमसे 3/4 का एक्स्ट्रा पूछा है, तो 16 × 3/4 करोगे तो वो भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे 16 × 3/4 किया अगर मैंने, ठीक है, 4 4s are 16 and 4 3s are 12. ठीक है, ये हो रहा है 12 liters कवर, 12 किलोमीटर कवर हो रहा है कितने में, 3/4 liter में. एंड 2 liter में कितना हो रहा था, 32 किलोमीटर हो रहा था, 16 × 2 = 32. अब आप जब 32 + 12 करोगे, योर आंसर विल बी 44 किलोमीटर होगी. ओके, सो ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन. ओके, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन सॉल्व इट. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड द रेक्टेंगल BCDE. ठीक है, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है. सो पेरीमीटर होता क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ बाउंड्री. ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री है कि टोटल कितना जो मेरी बाउंड्री है या जिससे मैं बना रही हूँ फिगर, उसकी लेंथ कितनी है. सो ए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूँ, ऑफ ट्राइंगल ABE, तो सारी साइड्स का सम ही करना है. ठीक है, इस AB को ऐड करूँगी, क्या होगा, AB + BE + AE, इन तीनों साइड्स को ऐड करना है. सो लेट्स ऐड देम, दिस इज 5/2 प्लस BE कितना है, 2 3/4. ठीक है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 2s are 8 9 10 11. सो दिस इज 11/4 प्लस 11/4. ठीक है, प्लस 5 3s are 15 16 17 18, तो ये कितना हो गया, 18/5. सो इसका आप LCM लोगे. ठीक है, अब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन सबके साथ जा रहा है. ठीक है, सो इट कैन बी 10 ऑल्सो. लेट्स टेक द LCM, 2 4 एंड 5, 2 2s are 4, 2 2 1s are 2,
दिस इज टू एंड फाइव, देन अगेन टू वन ज टू एंड फाइव, 10 नहीं होगा और ठीक है ऑब्वियसली बिकॉज 4 है, ठीक है 10 के टेबल, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो मुझे छोटा सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों के टेबल में आता है, ठीक है. सो 5 टू ज 10, 10 टू ज कितना हुआ 20, सो एलसीएम हो गया 20. सो 2 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 11, प्लस एंड 4 इंटू 18, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है मुझे, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इज 55 एंड 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20. ओके, सो दिस इज 50 प्लस 55 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 20. सो 117 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर इज वॉट इज द, इट इज द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द रिक्टेंगल बी सी डी ई. तो ये मुझे पता है जो मेरी विड्थ है वो कितनी है 7/6 एंड बी ई, बी ई की वैल्यू कितनी है 2/3/4 एंड इसको हमने कन्वर्ट किया था विच इज 9, 10, ठीक है 11/4 सेंटीमीटर. तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सो वील डू 11/4 प्लस 7/6, राइट, क्लियर. तो आप इसको सॉल्व करोगे एंड विल यू टेल मी द आंसर, छोड़ दूं आप लोगों पे, नहीं है मुझे इतना भरोसा. हाँ ओके राइट, ठीक है. तो आप बस इसका एलसीएम लेना, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 12, ठीक है, एलसीएम आ गया 12, देन वी नो दैट 4 3 इज 12, तो 3 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 7 हो जाएगा एंड बाहर ये 2 भी है, डोंट फॉरगेट, ठीक है, ये वाला 2 भूल मत जाना, नहीं तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 11 इंटू 3 इज 33 एंड 7 इंटू 2 इज 14, ठीक है, सो 33 प्लस 14 इज गोइंग टू गिव मी 47 एंड 47 इंटू 2 इज इक्वल टू 94. तो ये आंसर कितना आ रहा है, दिस इज 94 अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 94 अपॉन 12. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड ये है आपका पेरीमीटर, किसका, पेरीमीटर ऑफ द रिक्टेंगल. सो बेसिकली लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे सबको ऐड करना था, आई हैव टू ऐड द लेंथ ऑफ द फिगर्स, राइट. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, हमने किया व्हाट आर फ्रैक्शंस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड बेसिक 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू क्लियर इट एंड सून वी आर गोइंग टू बी लाइव ऑन दिस चैनल, देन वी कैन इवन इंटरैक्ट. ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की, विच हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है, लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, इधर उधर ट्यूशन पे भागने की कोई जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, इतनी बड़ी कंपनी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको चूज करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि आपको किस कौन से एजुकेटर से पढ़ना है, बहुत सारे मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, सो विच एवर यू लाइक यू कैन स्टडी फ्रॉम देम, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, नोट्स मिलते हैं पीडीएफ की फॉर्म में ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग क्लासेस एंड पूरा पूरा सिलेबस कवर होगा. सो इट्स अ वेरी नाइस कोर्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस, ठीक है, एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18 months, आप कोई भी ले सकते हो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है. एंड अगर 12 months से ज़्यादा का ले रहे हो तो आप पर मंथ भी पे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेकिंग फॉर 15 months, तो आपको पर मंथ सिर्फ कितना पे करना है बेटा, 1200 rupees पर मंथ ओनली. इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, ठीक है, इवन योर संस्कृत एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है. तो 1200 rupees में पर मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन मिल रही है, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स पे भी कम प्रेशर आएगा. एंड ऑफ कोर्स इसके बाद यू कैन गेट ऑल्सो, यू विल ऑल्सो गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10, ठीक है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, ऐप पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्राइजेस के बारे में.
आइकॉनिक में क्या है, आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा पर्सनल मेंटर, एक टीचर एक स्टूडेंट, सारा फोकस आप पर होगा, आपके सारे बेसिक्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है, रेगुलर टेस्ट क्विजेस वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है, जैसे बेसिकली आप पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, सारा फोकस आप पर है, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, टाइम टेबल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. इसके भी प्राइजेस यू विल गेट ऑन दी ऐप, इसके थोड़े से ज़्यादा प्राइजेस हैं, बट देन अगेन पर मंथ कॉस्ट इज़ वेरी लेस, ठीक है, ईएमआई पे कर सकते हो और कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना. इन दैट ऑल्सो इवन इफ यू पे इन पार्ट्स यू विल गेट 10% ऑफ इफ यू विल यूज द कोड SPGSS10, ठीक है, याद कर लो ये कोड अच्छे से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स. सो आई होप यू लाइक दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स एंड लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी. बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर.